जो भी हमारे पिछले रिलेटेड वीडियो से पीसी बिल्ड के वो जो सिस्टम बिल्ड करते हैं आज मैं उसको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा। चिराग, तो ये चिराग भाई है, ये हमारे फेनिक्स आईटी मॉल के इंजीनियर है। कैन वी स्किप टू द गुड पार्ट? हेलो दोस्तों, आप ये स्क्रीन पे इतना सारे कंपोनेंट्स देख के सोच रहे होंगे ये कैसे बिल्ड हो रहा है और ये क्या क्या कंपोनेंट यूज किए हुए। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो पूरा सिस्टम है हायर एक्सट्रीम गेमिंग और जो मल्टीटास्किंग यूज कर रहे हैं जो कस्टमर उसके लिए है, और इसका जो बजट है मैं आपको बोलना चाहूँ तो 4 लाख रुपए है। आपने सही सुना, 4 लाख रुपए। ये पूरी जो सिस्टम है वो आपको अप्रोक्सीमेटली 4 लाख रुपए में ये पूरी सिस्टम बिल्ड हो जाती है। तो इसमें जो कंपोनेंट यूज हुए है उसके बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहूंगा। तो सबसे पहले हम बात करें प्रोसेसर की, तो इसमें काफी बूस्टिंग परफॉर्मेंस वाला Ryzen 9 CPU है जो 5950X के साथ है। अगर हम बात करें इसके रिलेटेड मदरबोर्ड की, तो इसमें ROG का Strix X570F गेमिंग वाईफाई है। ये मदरबोर्ड देखने भी काफी बढ़िया लग रहा है, 2 NVMe slot 4 RAM के स्लॉट के साथ, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। इसके साथ अगर हम बात करें लिक्विड कूलर की, तो 3 fan वाला 360R 4 लिक्विड RGB लिक्विड कूलर हम आज ये सिस्टम में यूज करने वाले हैं। और जो मेन पार्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, ग्राफिक्स कार्ड RTX 3060 12GB जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे व्हाइट कलर में, और वो भी 3 fan के साथ। तो इसका और Ryzen 9 का जो कॉम्बिनेशन है वो किसी भी परफॉर्मेंस को एक बूस्टर हाइक ले जाने के लिए काफी बढ़िया रहता है। अगर हम बात करें SMPS की, तो SMPS एक ऐसी चीज है जिससे अगर सिस्टम हमने कैसी भी बना ली, लेकिन SMPS उसका जो लो डाउन में डाल दिया, 850 वोल्ट हम यूज कर रहे हैं, इसकी जगह मान लीजिए 650 यूज किया, तो आपका जो सिस्टम का एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो जैसे Ryzen 9 है 3060 है, उसके जो पावर कोडिंग हमने ये 850 वोल्ट 80 प्लस गोल्ड डीप कूल का SMPS हमने इसमें यूज किया है। और उतना ही नहीं, कस्टमर को ये 3 fan RGB वाले डाले तो बोल रहा है नहीं मुझे और ज्यादा RGB लेकिन चाहिए, तो हमने इसमें RGB के जो स्लीव आती है जो 24 सॉकेट और 8-pin सॉकेट के साथ है, एक मदरबोर्ड की जो मेन पावर सप्लाई है उसमें लगती है और एक जो ग्राफिक्स की पावर सप्लाई है उसमें लगती है। तो ये दोनों जो स्लीव है वो RGB है, मदरबोर्ड के साथ उसके जो रिलेटेड सॉफ्टवेयर है उसके साथ आप RGB भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो कस्टमर की नीड के हिसाब से हमने ये पूरा सेटअप लगाया हुआ है। अब कस्टमर बोलता है भैया मुझे स्पीड चाहिए, बूटिंग स्पीड है और ज्यादा चाहिए, तो उसका भी तोड़ है हमारे पास सैमसंग की जो 970 EVO Plus M.2 NVMe SSD है। इसका भैया जो रीडिंग और राइटिंग स्पीड है वो है 3500 MB/s। तो इसकी जो स्पीड है, कोई भी सॉफ्टवेयर है या कोई भी टेक्निकल जिसे फास्टर या बूस्टिंग परफॉर्मेंस करना है तो उसके लिए सैमसंग का NVMe है। तो हम ये सिस्टम में जो रैम लगाने वाले हैं वो है एडेटा की जो XPG रैम है RGB वाली, 16GB की 2 stick है, वो भी 3200 MHz। उसके बाद हम बात करें इसके जो मेन पार्ट की, तो वो है लियान ली की O11 डायनामिक कैबिनेट, जो आप अगर स्क्रीन पे देख सकते हैं तो चारों साइड से आप इसे ओपन कर सकते हैं, वेंटिलेशन में भी प्रॉपर है, और ये हमारे जो कंपोनेंट्स है उसमें आराम से ये पूरा जो सिस्टम है वो आराम से इसमें हम लगाने वाले हैं। और लगाने के बाद इसका जो लुक है वो आपको मैं वीडियो में बने रहिए, मैं आपको इसका लुक भी कितना डिफरेंट है वो भी ये जो स्लीव और ये जो RGB फैन लगेंगे उसके साथ। सो दोस्तों, आप वीडियो में बने रहिए, ये पूरा सिस्टम कैसे असेंबल होता है हम आपको बताते हैं। और एक बार आपको मैं बोलना चाहूंगा कि हमारे जो पिछले वीडियोस हैं उसमें हमने जो PC बिल्ड किया हुआ है, आप सोच रहे होंगे ये ओ डैडी वाला बंदा दिख रहा है वो कौन है, तो जो भी हमारे पिछले रिलेटेड वीडियोस है PC बिल्ड के वो जो सिस्टम बिल्ड करते हैं आज मैं उसको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा। चिराग, तो ये चिराग भाई है, ये हमारे फेनिक्स आईटी मॉल के इंजीनियर है। तो आज आपने जो भी सिस्टम बिल्ड के वीडियोस देखे हैं वो पूरा का पूरा बिल्ड हमारे चिराग ने किया हुआ है,
जो एक काफी अच्छी तरह से प्रॉपर डील करते हैं, जो केबल मैनेजमेंट है। आज मैं उसको आपको भी केबल मैनेजमेंट भी दिखाऊंगा जो काफी प्रॉपर है, और हमारे जो कस्टमर हमारे पास से जो सिस्टम लेके गए हैं वो अंदर की जो कंपोनेंट्स में तो हम इसको उसकी नीड के हिसाब से देते ही है, लेकिन जो उसको बिल के बाद उसका जो केबल मैनेजमेंट है वो हमारे जीरक भाई काफी प्रॉपर तरीके से करते हैं। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, आगे हम अनबॉक्सिंग और पीसी असेंबल विद चिराग। रुको ब्रिजेश भाई, आपने तो ये हमारे कस्टमर को ये बताई ये क्यूएलईडी के बारे में और गेमिंग। अरे हाँ, सॉरी व्यूअर्स, मैं आपको ये जो पूरा जो सिस्टम है उसका जो मेन जो रीजन हमने यहाँ पे सेट किया उसके बारे में आपको बताना भूल गया। इसमें हमने जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी, एलईडी मॉनिटर सैमसंग का क्यूएलईडी गेमिंग मॉनिटर है, ये 49 इंच कर्व एलईडी मॉनिटर है। अब आप सोचे कि 49 इंच लेके कस्टमर क्या करेगा इतनी बड़ी स्क्रीन में, लेकिन इसका जो यूज है, मान लीजिए अगर कोई शेयर ब्रोकर है, ट्रेडर है, तो उसकी जो लैंग्वेज होती है हमें तो नहीं पता, हम नहीं करते हैं, तो जो लोग करते हैं तो एक साइड में वो लोग ऐसा करते हैं कि उसका कुछ सॉफ्टवेयर ऐसा चल रहा होता है, दूसरी तरफ वो सेल बाय करते हैं, तो एक ही डिस्प्ले से वो दो पार्ट में अपनी अलग अलग जो वेराइटीज है सेल बाय की और उसकी जो स्टॉक मार्केट की अपडेट है उसमें ले सकता है। इसके अलावा जो इसमें तीन इनपुट दिए हुए हैं, तीन इनपुट का मतलब आप समझ सकते हैं 49 इंच वो भी कर्व, अगर आपको इसमें दिख रहा होगा 49 की पूरी कर्व एलईडी है। तो जो मल्टीटास्किंग वाला बंदा है, लाइव गेमिंग करता है साथ में, उसको चैट बॉक्स में भी उसको चैट में भी डालना पड़ता है, तो ये जो एलईडी है वो मान लीजिए तीन एलईडी के बराबर, मैं बोलना तो नहीं चाहूंगा लेकिन तीन एलईडी के बराबर ये सिंगल एलईडी आपको पूरा यूज में होगा। तो ये जो हमारा मेन पार्ट है 49 इंच क्यू एलईडी और वो भी गेमिंग सेगमेंट में, ठीक है। तो हाँ जी भाई, इसमें ये बताना चाहते हैं कि इस एक ही मॉनिटर के अंदर हम तीन मॉनिटर यूज कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं आराम से वन बाय वन। हाँ, इसमें जो इनपुट, इसमें जो चिराग ने जैसा कहा, इसमें जो मैंने भी आगे बोला तीन इनपुट दिए हुए हैं, तो तीन इनपुट के हिसाब से आप अलग अलग डिस्प्ले भी इसमें सेट कर सकते हैं। तो वो ये पूरी सिस्टम रेडी हो गई है, लेकिन बिना कीबोर्ड माउस के हम क्या चलाएंगे भैया, कीबोर्ड माउस चाहिए, वो भी जो डिमांडेबल है। इसमें हमारे जो कस्टमर की नीड है वो है लॉजिटेक का G512 कार्बन, ये वायर्ड मैकेनिकल कीबोर्ड है जिसमें जो आप देख सकते हैं GX ब्लू क्लिकी का जो की है उसका इसमें यूज हुआ है। ये लॉजिटेक की ब्रांडेड प्रोडक्ट है। इसके साथ अगर मैं बोलना चाहूँ माउस, तो माउस में इसमें लॉजिटेक का Z502 हीरो का गेमिंग माउस यूज किया। इसमें मुझे दिख रहे कई सारे बटन है, तो ये बटन का आप यूज पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर के लिए या सर्फिंग कर रहे हैं या कस्टमर अपनी नीड के हिसाब से वो सब सेट भी कर सकता है। तो अब हमारे साथ बने रहिए पूरे वीडियो में, अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने बात की थी कैबिनेट की, तो ये O11 डायनामिक कैबिनेट आपने देखी चिरक भाई, ये कैसे ओपन होती है जरा हमें सर, यहाँ से ये दो ऊर्जा कैसे ओपन होता है देखते हैं हम। सर यहाँ से ये दो स्क्रू ओपन करने का होता है। अच्छा, ये अपर साइड वाला लाइन, फिर ये ग्लास होता है ना वो यहाँ से निकाल, देख सकते हैं आप गाइस पूरा जो कैबिनेट है वो ये भी निकल जाएगा। कौन सा वाला? ये आगे का फ्रंट। यस, आप देख सकते हैं। और ये पीछे वाला, अरे बाप रे, ये तो चारों साइड से ओपन हो गया, चारों साइड से ही ये ओपन हो जाती है। We'll be right back.
हीरक भाई हो गया सिस्टम हमारा असेंबल। जी ब्रियज भाई ये प्लास्टिक फिनिशिंग चल रहा है इसमें, काफी बढ़िया दिख रहा है। तो अभी हम ये स्टार्ट कर सकते हैं, जरूर कर सकते हो। ये बटन कहाँ पे दिया है इसमें? ये फ्रंट में। क्या बात है, तो काफी बढ़िया है कि आप आज भी स्लीव ये सब कुछ। वाओ व्यूअर्स आप देख सकते हैं पूरा ये आरजीबी स्लीव कैसे पूरा फिनिशिंग दिया हुआ है चिरक भाई ने। जैसे मैंने आपको बोला था जो केबल मैनेजमेंट के बारे में, तो आप देख सकते हैं इसमें ये जो पूरा केबल मैनेजमेंट किया हुआ है चिरक भाई, वेरी गुड। तो जैसे आप देख सकते हैं इसमें ये जो आरजीबी का सेटअप काफी बढ़िया लगाया हुआ है चिरक भाई ने। तो मेरा क्वेश्चन है चिरक भाई, ये जो आरजीबी लाइटिंग्स है उसको अगर मुझे अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है तो उसका कोई ऑप्शन है इसमें? जी ब्रियज भाई, आप इस ये सारी लाइटिंग जो आप इसमें देख रहे हो वो सारी की सारी मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट है। ओके। और आप अपने मदरबोर्ड के सॉफ्टवेयर थ्रू आप उसको सिंक कर सकते हो। ओके ओके। तो गाइस जैसे चिरक भाई ने बोला इसमें जो ये मुझे ये फैन है, ये अपना लिक्विड कूलर का जो फैन है और ये स्लीव लगी वो एक साथ सब सिंक हो जाएगी। यस यस, आपने ये बताया इसमें आप रैम भी देख सकते हो। हाँ। वो भी आरजीबी है। ओके, ये चारों के चारों सब हम मदरबोर्ड के सॉफ्टवेयर थ्रू आप सिंक कर सकते हो। तो गाइस देखिए जैसे चिरक भाई ने बोला पूरा का पूरा जो आरजीबी सेटअप है जिसमें भी आरजीबी लगी हुई है वो एक ही कुछ सॉफ्टवेयर या मदरबोर्ड के साथ जो सिंक है उसके जरिए हम कस्टमाइज रूप से ये पूरी आरजीबी कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये पूरा बिल्ड कैसे लगा, जो भी क्वेरी क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस सिस्टम आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। और हमारे साथ बने रहिए आने वाले जो हाई बजट गेमिंग पीसी है या मिड रेंज जो गेमिंग पीसी है वो वीडियो हम इसमें आपको देते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे जो सोशल मीडिया पेजेस है उसको फॉलो कीजिए, उसकी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। दोस्तों तो मिलते हैं, प्लीज डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब। बनकर अभी अरे चलिए सेटअप हमने लगाया हुआ है, कौन कौन सा जो पार्ट है वो आप सब देख सकते हो। तो अभी ये कैबिनेट हम स्टार्ट कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। ये देखिए इसकी आरजीबी राइट राइट राइट।